अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हर कोई यही चाहता है कि हम ऑनलाइन अर्निंग करें और वो भी घर बैठे। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर एक स्टेप भी मिस किया तो आप लोगों को विड्रा नहीं मिल सकता है। तो आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊँगा कि आप लोग नॉन स्टॉप अर्निंग करेंगे। आप सिर्फ स्क्रिप्ट रन करें और आप लोगों को ऑटोमेटिकली विड्रा मिलता जाएगा फोसेट पे पे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को बरवक्त मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक विड्रा भी लेके दिखाऊंगा किस तरह से। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हिस्ट्री इस टाइम ज़ीरो है, तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर मुझे आप देख सकते हैं पे आउट रिसीव टूडे ज़ीरो है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो BTC का वैलिड एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली पुट करेगा और ऑटोमेटिकली रिकैप्चा फिल करेगा और ऑटोमेटिकली क्लेम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया है, यानी कि मेरा वैलिड का एड्रेस आया है। तो आप देखते जाएं, हम मैं आप लोगों को विड्रा भी लाइव दिखा रहा हूं। तो आप देखें यहां पे ऑटोमेटिकली सारा कैप्चा वगैरह फिल हो रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से छोटे छोटे टैब 4 या 5 बनाकर छोड़ सकते हैं। तो जस्ट मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने के लिए बड़ा करके दिखा रहा हूं, आप देखें। और हम यहाँ पर भी देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। फ़िलहाल हमें कोई विड्रा रिसीव नहीं हुआ है, जब विड्रा रिसीव होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। जस्ट हमें इसे ओपन करके छोड़ना है। ऑटोमेटिकली आपका वैलेट का एड्रेस आएगा और ऑटोमेटिकली आपका कैप्चर हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट कॉइन पे जाएगा, इसी तरह। अगर जिधर बैलेंस नहीं हुआ तो आप लोगों को इस तरह शो करेगा, यानी कि इनफिशियंट बैलेंस। तो आप देख सकते हैं अभी जंप किया है LTC पे। जिधर आप लोगों का यानी कि वैलेट एड्रेस यानी फोसेट पे का अगर आप लोगों ने गलत एड्रेस दिया तो आप लोगों को इनवैलिड की दिखाएगा, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो इनफिशियंट करेगा। तो आप देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा कॉइन मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ से काट दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ट्रोन पे आया है, ऑटोमेटिकली यानी कि मेरा वैलेंट एड्रेस आ गया है और ऑटोमेटिकली ये कैप्चर सॉल्व करके कंटिन्यू करेगा, फिर नेक्स्ट कॉइन पे जाएगा। इसी तरह इसका प्रोसेस चलता रहेगा। सिर्फ इसके पीछे क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट वगैरह रन हो रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लगा के आप जा सकते हैं, कोई काम वगैरह करके आ सकते हैं। तो मैं इस साइड को रिमूव करता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें ट्रोन कॉइन रिसीव होते हैं या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रोन कॉइन रिसीव हो चुके हैं। तो हम अपने फोसेट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ट्रोन रिसीव हो चुके हैं, क्लेम फ्री TRX इस साइड से आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 95 BNB रिसीव हो गए। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि हम किस तरह से स्क्रिप्ट इस पे रन करेंगे और अपना वैलेट एड्रेस किस तरह से इसको यानी कि इसी स्क्रिप्ट के अंदर देना है वो हम किस तरह से देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करें तो आप लोगों को यहाँ पे एक अकाउंट का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग ऐड पे सॉरी आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें।
सेटिंग के बाद हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना चाहें आप लोग बना सकते हैं। कंटिन्यू विदाउट एनी अकाउंट आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल का नेम दे रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे डन करूँगा। सर्च करेंगे वायलेंट मोकी, ये जो सबसे पहला वाला लिंक आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। ये वाला वो एक्सटेंशन है, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको भी ऐड करेंगे। एक और एक्सटेंशन है जो ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लियर करता जाए ऑटोमेटिकली। तो हम बैक पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑटो क्लियर हिस्ट्री कोरम एक्सटेंशन, ये वाला जो ये जो सबसे पहले आ रहा है हम इसको क्लिक करेंगे। ये वो एक्सटेंशन है, हम इसको भी ऐड करेंगे यहाँ पे। थोड़ा वेट करेंगे ये इंस्टॉल हो जाए। शायद दोस्तों ये भी इंस्टॉल हो गया है, तो हम इस टैब को क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन दोनों को हम पिन करेंगे। चाहे सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्क्रिप्ट की तरफ, वायलेट मोकी पे जाएंगे, यहाँ पे जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। कंट्रोल ए करके इनको हम डिलीट करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने स्क्रिप्ट पे, ए बी लिंक वाला मैं क्लिक कर रहा हूँ सबसे पहले। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी पे क्लिक करके सेव एंड क्लोज करेंगे। फिर हम यहाँ पे जाएंगे प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए इनको डिलीट करेंगे। फिर हम दूसरा स्क्रिप्ट लाते हैं अपना ऑटो क्लेम अनलिमिटेड क्रिप्टोज, इस पर क्लिक डबल क्लिक करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करके सेव एंड क्लोज करेंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ पे और प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए डिलीट। तीसरा स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी सेव एंड क्लोज। फिर इसी तरह चौथा स्क्रिप्ट हम अपलोड करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी सेव एंड क्लोज। अब हमारे सारे स्क्रिप्ट्स अपलोड हो गए हैं ब्राउज़र पे। तो अब इनमें मसला यही है कि हम अपना फोसेट पे का एड्रेस अभी ऐड करना है, वो हम किस तरह करेंगे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, हाँ यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंटर योर फोसेट बिटकॉइन एड्रेस, बिनांस एड्रेस, बिटकॉइन कैश, यहाँ पे आप लोग एड्रेस देंगे। यहाँ पे आप लोग अपना फोसेट पे का ईमेल और यहाँ पे यूज़र नेम। तो मैं आप लोगों को एक करके दिखाता हूँ, एक या दो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फोसेट पे पे, तो आप लोगों को एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे डिपॉजिट पे जाएं, आप लोग को यहाँ पे सारे कॉइन्स के एड्रेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं BTC को यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। फिर जाऊँगा यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करूँगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। फिर हम BNB का आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे BNB, ये BNB का एड्रेस रहा, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अच्छा अब हमें क्या करना है, होस्टेड पे का ईमेल और यूज़र नेम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को यूज़र नेम और ईमेल दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं ईमेल कॉपी करूँगा, यहाँ पे जो ईमेल लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके ईमेल
पेस्ट करूँगा। फिर हम यूज़र नेम लाएंगे यहाँ से, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। अच्छा, इसमें एक मसला और भी है, यहाँ पे ये अरूबल डॉट नेट, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और कंट्रोल एफ करके यहाँ पे सर्च करें। तो जिधर जिधर भी अरूबल आएगा हम उसको डिलीट करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो फाइंड करेगा ऑटोमेटिकली अरूबल, आप लोग सिर्फ उसको डिलीट करें। फिर यहाँ पे आकर एंटर करेंगे, इसी तरह आप लोगों को सारे अरूबल डिलीट करने हैं। फिर यहाँ पे आकर एंटर करेंगे, यहाँ से डिलीट। तो एक ये रहा, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई थिंक एक ये रहा और एक ये है और एक ये रहा। जिधर जिधर भी अरूबल आएगा हम उसको उस लाइन को डिलीट करते जाएंगे। हम सर्च करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये वाला हम छोड़ेंगे। फिर एंटर करेंगे, ये वाला भी हम छोड़ेंगे तो ये वाला हम डिलीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे आकर हम एंटर करेंगे और ये वाला भी हम डिलीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे आकर एंटर करेंगे, ये हमारा हुआ है क्लियर, तो सेव करेंगे। अब हम जाएंगे दूसरे पे, यहाँ पे चेक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह नहीं देना है तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो इस पे आएंगे स्क्रॉल, हाँ यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को फोसेट पे का ईमेल और बाकी कॉइन्स का एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ से जल्दी ईमेल कॉपी करता हूँ। कंट्रोल वी और बिटकॉइन का एड्रेस लाता हूँ यहाँ पे। तो यूज़र डैशबोर्ड डिपॉजिट एंड ये रहा हमारा बिटकॉइन का एड्रेस, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और बीएनबी का भी ले आता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें बिनांस का कॉइन बीएनबी का एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे। तो फिर वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे हमें कंट्रोल एफ करके अरूबल सर्च करना है। तो हम इसको भी यहाँ पे डिलीट करेंगे, फिर यहाँ पे आकर एंटर करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे आया है तो इसको हम डिलीट करेंगे। फिर यहाँ पे आकर सर्च करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके एंटर करेंगे, इसको हम लीव करेंगे, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। तो फिर हमारा स्क्रिप्ट एरर देगा, तो यहाँ पे भी क्लियर हुआ है, सेव एंड क्लोज। अब हम सबको डिलीट करेंगे और अब हम वेबसाइट सर्च करेंगे जो बीएनबी और टीआरएक्स के। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फ्री क्लाइम कॉइन डॉट आईओ, तो मैं एंटर करूँगा। तो इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो इसका हम यूआरएल यहाँ पे कॉपी करेंगे और ऐड न्यू टास्क करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे 5 मिनट के
क्या क्या आप रिमूव करना चाहते हैं, ब्राउज़र का कैशे और बाकी सारा कुकीज़ वगैरह, ताकि हर चीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाए। सिर्फ पासवर्ड छोड़ें, बकाया सारा आप लोग यहाँ पे टिक करके ऐड कर दें, ताकि हर 5 मिनट पे ऑटोमेटिकली ब्राउज़र का हिस्ट्री क्लियर करता जाएगा। अच्छा, तो अब हमारा सारा सेटिंग क्लियर हुआ है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। आप लोगों का एड्रेस जो आपने जिस कॉइन का भी दिया है उसी का पुट करेगा, ऑटोमेटिकली उसका कैप्चा सॉल्व करेगा और ऑटोमेटिकली क्लेम करके नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो आप देखें, अभी हम वेट कर रहे हैं, आप लोगों को बैलेंस भी दिखाता हूँ, उसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और अपना देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास 4 एंट्री हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह के आप यानी कि छोटे छोटे टैब ओपन करें, यानी कि 4 से 5 या 2, जितना मर्जी आप लोग यहाँ पे खोल के छोड़ें और आप लोगों का नॉन स्टॉप अर्निंग होता जाएगा। तो हम वेट करेंगे, फिलहाल ये BTC पे रुका हुआ है, थोड़ा इसका कैप्चा सॉल्व करेगा, थोड़ा स्लो स्लो वर्क करता है, इनफिशियंट बैलेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी यहाँ पे विड्रा मैंने कई बार लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का एड्रेस नहीं होगा तो उसको स्किप करता जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे स्किप करता हुआ जाएगा, अभी BNB का हम लोगों ने एड्रेस दिया था तो इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली पुट करेगा। आप देख सकते हैं एड्रेस पुट किया। अभी मैं थोड़ा इस ऐड को रिमूव करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हम स्क्रिप्ट को चेक करेंगे, कहीं मैंने एड्रेस रॉन्ग तो नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पे नहीं, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सॉरी, मैंने यहाँ पे बिनांस का एड्रेस नहीं दिया था तो उसकी वजह से हमारा स्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है। तो डिपॉजिट, अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं अभी हमारा BNB का जो एड्रेस है इसने पुट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले 4 थे, अभी 5 हो गए हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करें, यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते जाएंगे, आप देख सकते हैं फिर से हमें 65 BNB रिसीव हो चुके हैं। तो ये था नॉन स्टॉप अर्निंग का मेथड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया, तो प्लीज़ हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट करें, शेयर करें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।